मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ भी कदम रखती है वहाँ से बीजेपी स्ट्रांग होती है। मतलब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बिना हाईकमान की इजाज़त के बगैर आप तो अपने डिसीजन ले सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े लीडर्स ये कह रहे हैं कि अम्मायम यहाँ पर आने का मकसद बीजेपी को जिताना है। तो नॉर्थ में तो आपकी एक्टिविटीज देखी जा रही हैं, साउथ में क्यों नजर नहीं आ रही? गवर्नमेंट के राशन किट्स जो हैं वो कांग्रेस अपने घरों में रखी है, तो आप लोग तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिए कि असदुद्दीन अवैसी को लोग सुनने आए? लेकिन जब वोट डालने की बात हुई तो आप लोग 3,000 के तक वोट नहीं ले सक रहे हैं कि आप इससे पहले भी जो है ना कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कोशिश कर रहे थे, जब भी आपको लोगों ने जो है ना जीत नहीं दी, इस बार भी आपका वही हाल होने वाला। क्या मकसद है दीगर पार्टियों को छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ज्वाइन होने का? आज गुलबर्गा हेडलाइंस में हमारे साथ जनाब अब्दुल रहीम मिर्ची साहब मौजूद हैं, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, गुलबर्गा शहर में कॉर्पोरेशन इलेक्शन की तैयारी चल रही है। कुछ दिनों में कॉर्पोरेशन इलेक्शन की वोटिंग होने जा रही है, तो इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल रहीम मिर्ची साहब भी गुलबर्गा शहर से एक वार्ड से वो कंटेस्ट करने वाले हैं कॉर्पोरेशन इलेक्शन में। तो आज ये इंटरव्यू लेने का मकसद हम ये जानेंगे कि अब्दुल रहीम मिर्ची साहब जिस तरह से पहले कांग्रेस पार्टी में काम कर चुके हैं और दीगर मुख्तलिफ पार्टियों में भी वो शामिल थे, उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कमान संभालते आ रहे हैं, क्या सोच लेकर ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन में दावेदारी कर रहे हैं, किस तरह से वो जिस वार्ड से वो खड़े होंगे उस वार्ड में क्या वो डेवलपमेंट देंगे, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अब्दुल रहीम मिर्ची साहब का हमारे चैनल पर वेलकम करता हूँ। सबसे पहले मैं गुलबर्गा हेडलाइंस के व्यूअर्स को सबसे पहले सलाम करता हूँ और तमाम आवाम को सलाम करता हूँ। आज आपके जो सवालात हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब दूंगा। बिल्कुल अब्दुल रहीम मिर्ची साहब, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि आप पिछले कई सालों से पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, कई कांग्रेस में भी आप कई सालों तक रहे, उसके बाद जीडीएस में भी आप थे, उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिस तरह से आपने कमान संभाली है, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उसके बावजूद आप एक वार्ड से कंटेस्ट करने की बात कर रहे हैं कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, तो क्या वजह है इसकी? देखिए, सबसे पहले मैं जिस वार्ड में हूँ, ये गुलबर्गा का हार्ट कहा जाता है, वार्ड नंबर 22, यहाँ से कई एक कारपोरेटर हमने जिताकर भेजा पिछले दिनों में। वो जो हमारे डिवीज़न, मतलब यानी कि हमारे वार्ड में जो प्रोग्रेस होना था, जो काम होना था, वो काम होने पाया। और रही बात, हमको खिदमत करने का जज्बा है, अवाम के बीच रहने का जज्बा है, हम ये चाह रहे थे कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रहते हुए, इतना बड़ा ओहदा रहते हुए, हम ये सोच के उतरे हैं कि हमारे एरियों में मजलिस की जो बुनियादी काम है, मजलिस के अंदर जो ट्रेनिंग होती है अवाम को कैसा काम करना, अवाम के बीच कैसा रहना, तो वो बाखूबी हमको मोहतरम नक़ीब-ए-मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जो डायरेक्शन है अवाम के बीच किस तरीके से रहकर काम करना अवाम का, वो इसीलिए हम किसी और को जिताने से हमारे वार्ड के काम रुक जाते हैं, काम मुकम्मल नहीं होते हैं बोलकर आज हम हमारे वार्ड से ठहर कर हमारे वार्ड को चार चांद लगा कर खूबसूरत बनाने का एक अजम लेकर इस वार्ड में ठहरने का इरादा करें। ठीक है, जिस तरह से आप वार्ड नंबर 22 से उम्मीदवारी करने की, दावेदारी करने की आप बात कर रहे हैं, उस पर आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा सवाल आपके लिए ये रहेगा कि जिस तरह से आप कांग्रेस पार्टी में भी काम कर चुके हैं, दीगर पार्टियों में भी काम कर चुके हैं, फिर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कमान संभाल कर यहाँ तक आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनकर जो यहाँ तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर आए हैं, क्या मकसद है दीगर पार्टियों को छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ज्वाइन होने का? देखिए, जहाँ तक आप कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस में खुद मुख्तियारी नहीं है, डिसीजन खुद नहीं ले सकते। जब तक हम हाईकमान से नहीं पूछेंगे कोई काम नहीं कर सकते। अब हम जहाँ के एमएलए से अगर बात करें तो भी एमएलए हाईकमान को बात करना, उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है। तो हमारे पास वैसा सिस्टम नहीं है, हमारे पास हमारे कायद मोहतरम ने पहले ही डायरेक्शन दिए हैं, आप आवाम के बीच रह के आवाम का काम करना है। जो भी है, आप इंडिविजुअल ऑफिशियली और अनऑफिशियली
जो भी हो सकता है आपसे वो काम करना है। मतलब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बिना हाईकमांड की इजाज़त के बगैर आप अपने डिसीजन ले सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप गलत सवाल कर रहे हैं। डिसीजन जो कौम और मिल्लत का काम है वो हम यहाँ डिसीजन ले सकते हैं। मिल्लत का जो काम है, मिल्लत के काम के लिए कांग्रेस नहीं कर सकता। तो अम्मा एम सिर्फ मिल्लत के लिए ही जुड़ी हुई है? मिल्लत मैं बता रहा हूँ ना, मिल्लत और तमाम जो जो लोग हैं अदर्स, जैसा ओबीसी हैं, बैकवर्ड हैं, दलित हैं मेरे, तमाम लोगों के लिए, हम तमाम लोगों के लिए भी मिल्लत के लिए भी काम नहीं कर सकते, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। क्या कहाँ नज़र आ रहा है, हर स्टेट से आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते नज़र आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप कन्फ्यूजन है। आप देखिए, हम हर जगह दलित भाई हमारे, बैकवर्ड, ओबीसी, तमाम तबके को लेकर चल रही है जमात। आप बोल रहे हैं हमारी जमात सेकुलर है, बाकी सब कम्युनल है। कैसे कम्युनल है? देखिए, जिस तरह से जनता दल सेकुलर को लीजिए, वहाँ पर भी जो है ना तमाम कम्युनिटी की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी में भी तमाम कम्युनिटी की बात की जा रही है। कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के कई बड़े लीडर्स ये कह रहे हैं कि अम्मायम यहाँ पर आने का मकसद बीजेपी को जिताना है। ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोच है, आप सोचना चाहिए। आज मुसलमानों के हित में और मुसलमानों को हक के लिए कौन सी जमात आवाज़ उठा रही है? कांग्रेस में जितने मुसलमान हैं उतने मुसलमान को ड्रॉप करते जा रहे हैं, कोई एलिगेशन में लगाकर उनको ड्रॉप कर रहे हैं। आप कई एक दिग्गज देखिए, कांग्रेस के मुसलमानों को पूरे क्लोज कर दिए हैं कांग्रेस के। अब मोहतरमा में बचे हैं कुछ दिन के मेहमान हैं, इंशाल्लाह वो भी आप वक्त देखते हैं आने वाले दिनों का, वो भी क्लोज कर देंगे कांग्रेस ने। तो कांग्रेस में जो दीगर कई लोग ज्वाइन होकर उनको उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं वाहज बाबा भी जो है ना कांग्रेस में जुड़े हैं, ऐसे कई लोग कांग्रेस का ये दावा करना है कि प्रियंका खड़गे ने अपने सोशल मीडिया के जरिए ये पोस्ट किया है कि माइनॉरिटी के कई दिग्गज लीडर जो है ना कांग्रेस को जुड़ने वाले हैं, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। देखिए, जहाँ तक हमारे दोस्त वाहज बाबा का जो आपने जिक्र करा, वाहज बाबा बहुत अच्छे आदमी हैं। वो कौम और मिल्लत की बात करते हुए मेरे ये समझ में नहीं आया कि अचानक आप हर वक्त मिल्लत कौम फिक्र थी, आज ऐसा वक्त क्या आया जो कांग्रेस के लिए उन्होंने चले गए। मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में उनका ये गलत फैसला। नेशनल पार्टी है ना, उनका ये कहना है कि नेशनल पार्टी है जो बीजेपी को शिकस्त दे सकती है, इसलिए वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। एमआईएम भी नेशनल पार्टी है। एमआईएम छोटी पार्टी नहीं है, एमआईएम भी नेशनल पार्टी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये छवि बताई जा रही है कि जहाँ भी वो कंटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे बीजेपी इख्तदार में आ रही है। कैसे आ रही है? मैं बोलता हूँ, आप कांग्रेस जहाँ भी दे रही हो वहाँ इख्तदार में बीजेपी आ रही है। कांग्रेस तो टिकट देने के बावजूद कांग्रेस से जीत कर बीजेपी में जा रहे हैं, जीतने के बावजूद बीजेपी जा रहे हैं। जैसा कर्नाटक के अंदर देखिए आप, कई MLA कांग्रेस के जीते, कांग्रेस के जीत कर रिजाइन कर बीजेपी से ठहर कर बीजेपी में चले गए। पहले तो बीजेपी में गए, बाद में उन्होंने रिजाइन करे, वो जो इलेक्शन के रूल्स हैं उसके हिसाब से उन्होंने रिजाइन करके फिर जीत कर फिर बीजेपी में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरह से स्ट्रांग होगी? आप देखिए, कर्नाटक में वाहिद एक गुलबर्गा, और वो भी नॉर्थ गुलबर्गा में, वो भी नॉर्थ में आप लोग जो है ना MLA डिक्लेयर करे हैं, बाकी के कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर कोई आपका वजूद नज़र नहीं आ रहा। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, कुछ वक्त पहले बीजेपी भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 सीट पर लड़ी थी, 2 सीट थे। हमारा यहाँ नया जन्म हुआ है, हम फर्स्ट टाइम यहाँ ठहर रहे हैं। हम आवाम से यही गुजारिश कर रहे हैं कि आपके हकूक़ के लिए, आपके हक के लिए लड़ने वाली एक ही जमात है, एक ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो आपके हकूक़ और हक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली है। कहीं देखिए आप मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले, दलितों की आवाज़ उठाने वाले, जैसा गौकशी का बिल नहीं है, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाने वाली है आवाज़। आप देखिए, पिछले कई दिनों से आप मुस्लिम चौक से एक UJD का काम है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए, कई दिनों से वो काम हो चुका है। काम होने के बावजूद उसको मटेरियल डालकर उसको फुलफिल नहीं कर सक रहे, यही नाकामी है। यही कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं। आज पावर में कौन है? कौन थे पावर में भाई? ये तो 40 साल पहले से लोग जो है ना सर, ये परसों की बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस में थे सर, परसों की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस में पहले सुनिए सर, ये परसों इल्जाम नहीं लगाते सर, मैं क्या बता रहा हूँ, ये परसों की बात है। मैं कांग्रेस छोड़ने की वजह हकूक नहीं मिल रहे मुसलमानों के, अवाम के हकूक नहीं मिल रहे, अवाम के लिए कुछ काम नहीं कर रहे, ये जीत रहे हैं बेंगलुरु पकड़ रहे हैं, ये जीत रहे हैं दिल्ली पकड़ रहे हैं, तो इसीलिए हमने ये सोचा कि भाई अवाम का काम कौन सी जमात में होता है।
वो जमात को हम बाखूबी सोच समझ के हमारे लोगों से मशवरा कर कर हम इस जमात को कायम किए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जमात का दबदबा गुलबर्गा के हर वो सरजमी पर रहेगा। बंदा नवाज यसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के सरजमी पर यही परचम लहराने वाला है। ठीक है, लोगों के जहन में ये भी बातें चल रही हैं कि जिस मजलिस का परचम आप हाथ में थामे हैं, जिस मजलिस को आप यहाँ तक लेके आए हैं, वो मजलिस पार्टी आपको भी धोखा दी है। जिस तरह से आपके ही ताल्लुक से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब गुलबर्गा हेडलाइंस के एक्सक्लूसिव वीडियो में ये बताए थे कि आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन की तमाम जिम्मेदारी अब्दुल रहीम मिर्ची को सेठ को दी जाएगी। अब जब इलेक्शन सही आया है, कारवान के एमएलए का बयान आता है कि नॉर्थ की जिम्मेदारी लिया सेठ को दी जाएगी, कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना आपके साथ भी नाइंसाफी हुई ना। नहीं नहीं नहीं, आपको कन्फ्यूजन है। आप उस वक्त भी साथ थे, उस वक्त जिस वक्त आप गुलबर्गा हेडलाइंस में जब बात किए नखीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से, उस वक्त हमारे नॉर्थ के कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए थे। आज नॉर्थ के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं। तो होता क्या है, जो एमएलए कैंडिडेट होता है भागदौड़ उन्हीं के हाथ में देते हैं। आप पिछले कई पार्टियों में देखिए ऐसे ही होता है। खैर, वो ऐसी कोई नाराज़गी कोई ऐसे नहीं, हम इलिया सेठ पार्टी हमारे एमएलए सब एक हैं। हम पार्टी के हित में फैसले को मानते हैं, पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी बड़ी बनाने के लिए हर वो फैसले को मानते हैं और उनका सर आंखों पे फैसला लेकर हम काम करते हैं। ठीक है, नॉर्थ की जिम्मेदारी जिस तरह से आप बता रहे हैं इलिया सेठ बागबान को दी गई है और साउथ की जिम्मेदारी जिस तरह से एमएलए साहब ने कहा अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ को दी गई है, तो नॉर्थ में तो आपकी एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं, साउथ में क्यों नज़र नहीं आ रही? आप क्यों देखिए, हम कुछ हलकों में तैरा कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास जहां हम तैर कर निकल सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर जो कैंडिडेट अप्रूव हुआ है वहां हम जा रहे हैं, उसको ठहरा कर रहे हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस है आप नॉर्थ से पूरी सीट निकाल के लाए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। साउथ के मुसलमानों के लिए आप लड़ना नहीं चाहते? नहीं नहीं नहीं, आप साउथ में भी ठहरा करें ना, फिर 42 41 नजर नहीं आ रही बहुत है। आप 41 42 कहाँ, साउथ में तो है ना यार, तो सिर्फ दो वार्ड में खड़े। अरे दो, आप देखिए क्या, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे पास वही तो बोल रहा हूँ ना, जहाँ पे मुसलमानों की मेजोरिटी है वहीं पे सर मुसलमान नहीं है वहाँ। सुनिए, कम्युनिटी के लिए कहाँ लड़ रहा है? मैं क्या बता रहा हूँ, 41 42 43 कोई ऐसा मुसलमान बोलकर ना, पूरे ओबीसी दलित मेरे पूरे बैकवर्ड भाई वहीं हैं। आप देखिए हमारे पास मुसलमान है क्या 22 नंबर में? पूरे मराठे वोट हैं, 2200 मराठे वोट हैं हमारे पास। आप जिस वार्ड से खड़े हो, जिस वार्ड से खड़े हैं, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? जहाँ से ऐसी बात नहीं है, टोटल 55 वार्ड हैं, 55 वार्डों में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी कम है, क्या वहाँ से भी आपके उम्मीदवार खड़े हैं? थहरा कर रहे हैं ना जी, फिर मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको हर जगह थहरा कर रहे हैं, चा बाजार में थहरा कर रहे हैं, शेख रोजे में थहरा कर रहे हैं हम, आप हर वो जगह थहरा कर, बारेल से थहरा कर रहे हैं हम, फिर जहाँ अक्सरियत है जहाँ हम वहाँ भी थहरा कर रहे हैं, जहाँ अक्सरियत नहीं है वहाँ भी थहरा कर रहे हैं। देखिए हमारे पास एक टारगेट है, हम इतने सीट लाना, इंशाल्लाह हम वो टारगेट रीच कर रहे हैं। बहुत जल्द रिजल्ट आएंगे, 6 तारीख को आप देखेंगे। फिर एक मरतबा मैं आपके चैनल से आवाम को मुबारकबाद दूंगा हमारा साथ देने का, तो आप 6 तारीख का इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब्दुल रहीम मिर्ची साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, कई ऐसे एस्पिरेंट हैं वार्ड नंबर 22 से जो टिकट की ख्वाहिश कर रहे थे मजलिस के, उसके बावजूद भी अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ ही क्यों वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं? देखिए मैं इस हलके में, इस वार्ड में मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, अब तक यहीं हूँ मैं। मेरी एज जो 50 साल एज है मेरी, मैं बचपन से लेकर आज तक मैं इस हलके को जितना करीब से जानता हूँ और जो नॉर्थ को जितना करीब से जानता हूँ मैं, जो हम जो सोच कर इस एरिया को डेवलप करना चाह रहे हैं, ये वजह यह है कि मुस्लिम चौक से पिछले 45 साल से जुलूस मिलातुन नबी निकलता है, तो हम बखूबी उसको अंजाम देते हैं, उस जुलूस को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में हम उस जुलूस के अंदर बहुत झांकियाँ को वेलकम करते हैं। यहाँ हमारी सदारत में काम होता है और मरकज़ सीरत कमेटी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पिछले 45 साल से, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है।
इतने बड़े जुलूस की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है, तो हम ये चाहते हैं कि हमको पावर मिले तो और चार चांद लगाएंगे उस चीज़ को और अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल ऐसा जहन लेकर उतरे हैं। आवाम हमारे को अगर साथ देंगी तो इंशाल्लाह हम आवाम के साथ भी रहेंगे, आवाम का काम भी करेंगे और आवाम को खुश भी करेंगे। सबसे अहम जो बात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को लेकर है कि बार बार दीगर पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जहां भी कदम रखती है वहां से बीजेपी स्ट्रांग होती है, तो आपके खास करके वार्ड नंबर 22 में जिस तरह से आपने कहा दीगर कम्युनिटी के लोग भी यहां पर हैं, उनके जहन में अगर ये चीज़ है तो उसको किस तरह से आप निकालेंगे? देखिए, आप जहाँ तक मजलिस जहाँ पर भी जाती है बीजेपी स्ट्रांग होती है बोलिए, कांग्रेस जहाँ पे भी है बीजेपी है। देखिए, ये तो पार्टी है, पार्टी स्ट्रांग होना आपके अपनी सलाहियत पे जाता है पार्टी के। आप देखिए, कांग्रेस में अपने इख्तदार को लड़ने के लिए जो लीडर्स हैं वो लीडर्स की कमज़ोरी की वजह से हम समझते हैं कि कांग्रेस कमज़ोर हुई। कांग्रेस दूसरे मानों में और जो कमज़ोर हुई है मुसलमानों के हकूक़ की आवाज़ नहीं उठा रही, इसीलिए कांग्रेस कमज़ोर हुई। अब हम टोटली मुसलमान बीजेपी के तरफ नहीं जाता, क्यों कि सेकुलर जमात नहीं है बीजेपी। कांग्रेस सेकुलर बोलती थी मगर आज मुसलमानों को ये मालूम हो रहा है कि बीजेपी से ज़्यादा जहरीली कांग्रेस है। तो आज लोग कांग्रेस से इसीलिए भाग रहे हैं कि मुसलमानों के हक़ की आवाज़ नहीं उठा रही कांग्रेस, मुसलमानों का हक नहीं दे रही। आप देखिए, जड़पी हो, पंचायत हो, टीपी हो, आप तमाम जगह देखिए, वहाँ से भी कोई कैंडिडेट मुसलमान नहीं देते। जब मिनिस्ट्री का वक्त आता तब भी नहीं देते। आप आवाज़ उठाकर देखिए, आप निगाहें डालकर देखिए पूरे शहर के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर, जहाँ पे भी मुसलमान जीतता है वो या तो रिजॉर्व कर रहे हैं या तो उसको ये कर रहे हैं, कैटेगरी में ला रहे हैं। आप कितनी भी मुखालिफत करो कांग्रेस पार्टी की, लेकिन जो वोटर्स हैं, वोटर का एक बड़ा तबका जो है माइनॉरिटी का, वो इलेक्शन के वक्त कहीं ना कहीं हर बार कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान अपना बताता है और कांग्रेस पार्टी को ही वोट करके जिताता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बड़ा तबका तो वोटर्स जो मैं देखिए, हम उनसे अपील करते हैं कि आप बड़े तबके के लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस आपके हित में कैसे फैसले कर रही है, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत कर कर यहाँ से उनके नुमाइंदों को जिता कर असम्बली में हो या कॉरपोरेशन में हो, आपके पूरे मसाइल जिस डंके की चोट पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करने वाली है कोई जमात नहीं करेगी। आप 2 साल से पिछले आप देख रहे हैं, लॉकडाउन का अरसा गुजरा है, कोरोना वायरस की महामारी चल रही थी लॉकडाउन में, इसमें मजलिस का क्या रोल अदा किया आपको? देखिए, सबसे पहले लॉकडाउन के अंदर हमने अपनी पोजीशन के हिसाब से हमने लोगों तक उनकी ज़रूरत के जो चीज़ें हैं हम वहाँ तक पहुँचाए। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आप इन दिनों देखते हैं गवर्नमेंट किट कांग्रेस ने अपने घरों में निकाल कर रखी है, वो तक नहीं बांट सके। हम तो अपने जो जिंदगी के जो भी हम जो पूंजी कमाए थे वो निकाल कर लोगों के बीच हम तकसीम किए, इसलिए कि वो लोग बहुत ज़रूरतमंद हैं, आज उनकी ज़रूरत कोई पूरी नहीं कर सक रहे। गवर्नमेंट इनकी ज़रूरत को पूरी करने के लिए जब वो भी किट दी तो कांग्रेस के लोग अपने अपने घरों में रखकर पूरी ज़रूरत पूरी नहीं कर। जब आपको मालूम है, आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट के राशन किट्स जो हैं वो कांग्रेस अपने घरों में रखी है, तो आप लोग उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिए? देखिए, एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, अब ऐसे हालात नहीं है कि लोगों तक ज़रूरत पूरी होंगे, चाहे कौन सी भी जमात होंगे। हम ये चाह रहे थे कि भाई लोग उससे महरूम नहीं होना, हम चाह रहे थे कि भाई किस तरीके से भी हो जान दे पहुँचन दे, हमारी कॉन्ट्रोवर्सी से वो रुक जाता है तो परेशानी ना हो आवाम में, इसीलिए हम उस चीज़ को कॉन्ट्रोवर्सी नहीं किया। ठीक है, जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीगर भी जो उम्मीदवार हैं वो लोग कहीं ना कहीं आपसे ये उम्मीद कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे लिए हमारे वार्ड्स में काम करेंगे, तो आप जब खुद आप उम्मीदवार रहेंगे तो आप अपने
खासकर एक पर्टिकुलरली वार्ड नंबर 22 में आप फोकस करेंगे तो दीगर वार्ड में आपका जहां पर सपोर्ट की ज़रूरत होगी आप वहां पर नज़र नहीं आएंगे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह हम हर जगह नज़र आएंगे। हमारी पूरी जमात बाखूबी काम करेगी। हैदराबाद से हमारी टीम रवाना हो चुकी है, गुलबर्गा पहुँचेंगी शाम में इंशाल्लाह। हमारी जमात हर गली गली हर चौराहे पे ठहर कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट मांगेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे हम कामयाब होंगे। ऐसे कौन से अहम इश्यूज हैं जिसके ऊपर अगर आपको वोट कर जिताया जाएगा तो आप काम करेंगे? देखिए इशू की जहाँ तक बात है, पिछले हम दो अढ़ाई साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुलबर्गा में हम संभाले। आप देखना चाहिए कि तमाम जमातें एनआरसी के प्रोग्राम करने की कोशिश किए। एनआरसी के अंदर आप देख रहे हैं कम्युनिस्ट, आपके कांग्रेस, जेडीएस, डब्ल्यूपीआई, एसडीपीआई, मुस्लिम लीग, ये तमाम जमातें मिलके एक प्रोग्राम किए एनआरसी के ताल्लुक से। उस वक्त हम यही बोले कि भाई ये हमारी जमा हमारे हकूक़ की लड़ाई है, हम इसको लड़ना चाहते हैं। तो उस वक्त कांग्रेस ने हमारे लीडर को इनकार किया। हम वहाँ तक मैसेज पहुँचाए, मैसेज पहुँचाने के बाद में मैं स्टेज पे नहीं बैठ सकता बोले। तो उसी दिन हमने फैसला किया कि भाई हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर पे एनआरसी का प्रोग्राम हम करेंगे। तो आप बाखूबी जानते हैं कि 1.5 से 2 लाख का मजमुआ हमारे बैनर पे तमाम उस जमातों को बुलाकर हम वो प्रोग्राम को कामयाब किया। और यही खूबिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वाहिद एक आदमी पूरे गुलबर्गे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मजलिस इत्तेहादुल की, बल्कि पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ने, बल्कि पूरे कर्नाटक के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम कोई नहीं कर सके पूरे जमातें मिलकर। वाहिद मैं अकेला था, अब्दुल रहीम मैं अकेला था कि इतना बड़ा प्रोग्राम 1.5 से 2 लाख का हम अकेला ऑर्गेनाइज करके इसको कामयाब किया और बखूबी इसको निभाया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा क्लिप अगर चले तो गुलबर्गा के एनआरसी के प्रोग्राम के चले। तो आप जानते हैं कि भाई एक आदमी में इतना जज्बा है काम करने का, तो और हमारे साथ जुड़ने के बाद में इस गुलबर्गे का कैसा भविष्य सुधरेगा, कैसा चार चांद लगेंगे गुलबर्गे को, एक खूबसूरत गुलबर्गा फूलों का शहर है इंशाल्लाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब जीतेंगे तो गुलबर्गा फूलों का शहर ही बनाएंगे। देखिए जिस तरह से आप बात कर रहे हैं एनआरसी एलपीआर की, उस वक्त बिल्कुल आपने एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, लेकिन जो भीड़ पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में जमा होती है मजलिस के प्रोग्राम्स में, वो असदुद्दीन अवैसी को सुनने के लिए लोग आते हैं, असदुद्दीन अवैसी के लोग फ़ैन हैं उनको सुनने के लिए आते हैं, लेकिन वोट डालने की जब बात आती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट नहीं मिलते। इसका सीधा सीधा आप एग्जांपल ले सकते हैं बसो कल्याण का, जो हाल ही में बाई इलेक्शन हुआ वहाँ पर जब असदुद्दीन अवैसी वहाँ पर कैंपेनिंग के लिए आए, हज़ारों की तादाद हमने वहाँ पर देखी असदुद्दीन अवैसी को लोग सुनने आए, लेकिन जब वोट डालने की बात हुई तो आप लोग 3,000 के तक वोट नहीं ले सके। देखिए जहाँ तक बसो कल्याण का मामला है, हम तंजीमी तौर पर मजबूत नहीं थे वहाँ पर, हम मजबूत तो नहीं थे। सुनिए हम तंजीमी तौर पे मजबूत नहीं थे। वहाँ के इंटेलेक्चुअल दानिशमंद ट्रांसपोर्ट के लोग पूरे हमारे नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास गए कि इनको जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमारे कायद मोहतरम ने वहाँ की सीट का इनकारी करे थे, तो मगर वहाँ के लोग बोले कि जिताना हमारा काम है, सब आप सीट दो। तो ये ऐसे समीकरण बने थे जब ये ऐसी चीज़ हुई थी बसों कल्याण की। जहाँ तक गुलबर्गे का मामला है, गुलबर्गे में हम फर्स्ट टाइम तैर रहे हैं इंशाल्लाह, फर्स्ट टाइम हम आप देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे, हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जीतने के बाद में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन कौन बनाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप ही के चैनल पे आके मैं कांग्रेस आप तमाम लोगों को मुबारकबाद दूं। कांग्रेस आज भी एग्जांपल दे रही है बसो कल्याण का, वो कह रही है कि बसो कल्याण में जिस तरह से रिजल्ट आया है वही रिजल्ट मजलिस के देखिए रहने की वजह से यहाँ भी बीजेपी आप कांग्रेस क्यों नहीं जीती? फिर कांग्रेस क्यों नहीं जीती? वजह एमआईएम को बता रहे हैं ना वो, तो जेडीएस हमसे ज्यादा ली ना, एमआईएम को क्यों बता रहे? तो जेडीएस तो वहाँ पे पहले से एमएलए बनाया चुकी है। फिर क्या हो, ये देखिए ये खोखले बातें हैं।
बड़ा सवाल ये है कि आप जिस वार्ड से खड़े हो रहे हैं, उम्मीदवार हैं बस वार्ड नंबर 22 से, यहाँ के लोगों के लिए अब्दुल रहीम मिर्ची साहब क्या डेवलपमेंट देंगे? देखिए, अब्दुल रहीम मिर्ची साहब कुछ ओहदों पे नहीं थे जब से डेवलप कर रहे हैं। अब तो जब यहाँ से हम जीतेंगे तो इंशाल्लाह क्या डेवलप करेंगे यहाँ की आवाम जानती है। इंशाल्लाह हमारा एक सपना है वार्ड नंबर 22 के अंदर एक हेल्थ सेंटर डालने का। अल्लाह चाहा तो जिस दिन हमने यहाँ से जीत कर जाएंगे, सबसे पहला काम हमारा ये हेल्थ सेंटर डालना है। जो मेरे कौम की माएँ और बहनें जो जनरल हॉस्पिटल को वहाँ तक नहीं जाना, यहीं उनका नॉर्मल जो भी छोटा सा ट्रीटमेंट है यहाँ पे कंप्लीट होना, तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम जीतने के बाद वो काम करेंगे। उसके बाद 24/7 24 घंटे का नल हम वो भी लाएंगे, अल्लाह चाहा तो वो भी हमारी नुमाइंदगी कर कर उसको भी कामयाब करेंगे। और उसके अलावा और कुछ डेवलपमेंट? अब यहाँ से जो भी डेवलपमेंट हैं इंशाल्लाह रोड नाली ड्रेन ये तो होते रहते हैं इंशाल्लाह। हम आवाम की खिदमत बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं, बल्कि 22 ही ने गुलबर्गा के तमाम वार्ड की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है इंशाल्लाह। जहाँ से भी हम मजलिस के कैंडिडेट हैं, हम तमाम गुलबर्गा की आवाम को अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देकर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत कर कर एक नई तारीख गुलबर्गा की रकम करें, क्योंकि इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है जो 78 का जो पुराना वक्त था ऐसा वक्त आज है, वही वक्त फिर दोहराने वाले हैं इंशाल्लाह। हम ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर पे गुलबर्गा के अंदर एक नई तारीख मनाएंगे। देखिए, जब से आपने एक उम्मीदवार अपने आप को बताया है, लोगों को आपने ये मैसेज दे रहे हैं कि आप भी कॉर्पोरेशन इलेक्शन में खड़े होंगे, लोग आपका पिछला जो वक्त था उस वक्त उस तो उसकी बात कर रहे हैं कि आप इससे पहले भी जो है ना कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कोशिश कर रहे थे, जब भी आपको लोगों ने जो है ना जीत नहीं दी, इस बार भी आपका वही हाल होने वाला है, लोगों का यह कहना है, उनको क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, उस वक्त की जो मेरी पोजीशन थी, कांग्रेस टिकट देकर हार रही थी और उस वार्ड में मेरा ना वोट आता था, ना मेरा ख़ानदान आता था, ना मेरे रिश्तेदार आते थे। मैं मेरे घर से दूसरे वार्ड में ठहरा हुआ था और ऐसे दिग्गज के सामने ठहरा हुआ था मैं, वो बहुत बड़ा पैसों का धनी था और वो शायद मैं समझता हूँ कि उस वक्त बहुत महंगा इलेक्शन उन्होंने लड़ा था। तो आज अल्लाह का करम है, हम इस दरमियान बहुत से चीज़ें सीखे हैं, इलेक्शन किस तरीक़े से लड़ना, किस तरीक़े से सामने वाले को लड़वाना, ये अल्लाह का बड़ा करम है। ये कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की देन है कि हमें लड़ना सिखाया, तो इंशाल्लाह इस मरतबा हम लड़कर 100% उन लोगों को जवाब देंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कैसा जीतती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ हमेशा से पार्टियों को चेंज करते आए हैं, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ हैं, अगर यहाँ पे भी अगर अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ को अगर नाराज़ किया जाएगा तो फिर से वो कांग्रेस में जा सकते हैं, जेडीएस में जा सकते हैं? देखिए, लोगों का ख्याल है, लोगों को हम बोल नहीं सकते, लोगों की ज़बान को हम रोक नहीं सकते। लोग हमसे चाहने वाले भी उत्तेज रहते हैं, हमसे नाराज़ भी उत्तेज रहते हैं, तो इंशाल्लाह जो चाहने वाले हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो नए चाहने वाले हैं उनके दिलों को जीतने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह चाहा तो हम जिस वार्ड में ठहरे हैं इस वार्ड के अंदर हम तमाम उन लोगों से गुजारिश भी करते हैं कि जो हमारे को नहीं चाहते, हम उनसे अपील करते हैं कि एक मर्तबा आप हमको चांस दें, आपकी औलाद समझें, आपका बेटा समझें, आपका भाई समझें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके हर वो सुख दुख में 24 घंटे आपके साथ रहकर आपके काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत कम वक्त बचा है कॉर्पोरेशन इलेक्शन की वोटिंग के लिए, तो आप अपने वार्ड नंबर 22 की आवाम से और दीगर जो कैंडिडेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीगर वार्ड्स में जो है ना कोशिश कर रहे हैं, तमाम वार्ड के लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बार के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में? आपका पहला इलेक्शन है। देखिए, जैसा कि मुस्लिम चौक पे 3 वार्ड लगते हैं, 22 जो वार्ड मैं ठहर रहा हूँ, 21 और 20, यहाँ से जिसको भी टिकट मिल रही है
हम तमाम लोगों के लिए इससे हटकर 15-16 जहाँ जहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट है, हम इंशाल्लाह वहाँ के आवाम से गुजारिश करेंगे, हम उनके घर तक जाएंगे, उनके डोर तक जाकर उनसे अपील करेंगे कि वे इस मर्तबा हमारा साथ दें और हमारी पार्टी को मजबूत करें। इसीलिए कि जिसने हमारे को बोलती है कि बी टीम है कांग्रेस, मैं समझता हूँ कि आप जानते हैं कि उनके सदर आज तक कभी मुसलमानों के हित में बात नहीं किए। आप देख रहे हैं कि आप जब भी उन्हें बी टीम बोलते हैं, आप देखिए उन्होंने मुसलमानों के हित में काम बात कर रहे हैं, आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही रह रहे हैं कांग्रेस। ये सब खोखले वादे हैं, खोखले बातें हैं। मुसलमान अब जाग चुके हैं पूरे हिंदुस्तान के, किसको साथ देना है किसको नहीं देना बखूबी जान रहे हैं। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह मुसलमानों के दिमाग में ये जज्बा डाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना डंका बजाए, झंडा अपना लहराए और अल्लाह इनके साथ हमारे कायदे मोहतरम की और तमाम लोगों की जो मजलिस का काम कर रहे हैं उनको उम्र दराज करें, उनके सेहतों को अल्लाह का अच्छा रखें। और मैं उन तमाम लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि जो अपने दिलों में मजलिस के लिए काम करना चाहते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि खुल के काम करें मजलिस का और मजलिस को मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम मिर्ची साहब गुलबर्गा हेडलाइंस को अपना कीमती वक्त देने के लिए। जिस तरह से तमाम इंटरव्यू में जितने भी सवाल गुलबर्गा हेडलाइंस की तरफ से आपको पूछे गए हैं, बखूबी आपने उसकी जवाब देने की कोशिश की है, तो मैं इसलिए इस सेशन में आपका जो वक्त आपने दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने अल्फाज में कहीं ना कहीं कुछ गलत बोलाऊँगा तो मैं तमाम एवर से माफ़ी चाहता हूँ कि अपनी मेरी गलती को उतारूँगा। और एक मरतबा मैं मेरे 22 नंबर जहाँ से मैं कैंडिडेट बन रहा हूँ, मैं वहाँ की आवाम से अपील करता हूँ कि आप इस मरतबा मेरा साथ दें और मजलिस को साथ देकर मजलिस को जिताकर एक नई तारीख रकम करें। और तमाम गुलबर्गा के जहाँ से भी हमारे कैंडिडेट ठहरे हैं, मैं उन तमाम आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि इसीलिए मैं पहला मेरा बोला कि मैं यहाँ पे कैंडिडेट हूँ, इसीलिए बोला मैं तमाम गुलबर्गा की आवाम से गुजारिश करता हूं कि इस मरतबा मजलिस को जिताकर एक नई तारीख रकम करें, क्योंकि गुलबर्गा में अगर मजलिस का मेयर बना तो आने वाले दिनों में MLA भी हमारा रहेगा। बखूबी मुसलमानों के हित में, मुसलमानों के दलित बैकवर्ड तमाम लोगों के हित में अच्छे फैसले होंगे, अच्छे काम होंगे। फिर एक मरतबा मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि दलित भाई, बैकवर्ड मेरे हिंदू भाई, तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारी जमात को वोट देकर हमारी जमात को मजबूत करें। शुक्रिया।